गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में सर्वनाम की परिभाषा और उसके बारे में पढ़ा था। बच्चों, जो शब्द नामों या संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम अपनी इस कक्षा में सर्वनाम की दोहराई करेंगे। इसे दोहराने के लिए हम एक एक्टिविटी के माध्यम से इसे समझेंगे। बच्चों, यहाँ मैंने एक टोकरी में कुछ संज्ञा शब्द और सर्वनाम शब्दों को मिलाकर रख दिया है। अब हम इसमें से सर्वनाम शब्द लेकर दूसरी टोकरी में रखेंगे। तो बच्चों, पहला शब्द जो मैं ले रही हूं वो है कुर्सी। तो बच्चों, कुर्सी जो है वो सर्वनाम शब्द नहीं है। दूसरा शब्द बच्चों मैंने लिया है मेरा। तो मेरा सर्वनाम शब्द है, इसे मैं सर्वनाम वाली टोकरी में रख रही हूं। अब बच्चों, मैंने लिया है सड़क। सड़क सर्वनाम शब्द नहीं है, तो इसे हम सर्वनाम की टोकरी में नहीं रखेंगे। बच्चों, अब मेरे पास आया है यह। यह सर्वनाम शब्द है, इसे हम सर्वनाम वाली टोकरी में रखेंगे। अब बच्चों, शब्द है इन्हें। इन्हें भी सर्वनाम शब्द है, इसलिए हम इस शब्द को भी सर्वनाम वाली टोकरी में रखेंगे। बच्चों, अब मैंने शब्द लिया है बगीचा। बगीचा सर्वनाम शब्द नहीं है। अगला शब्द है बच्चों बॉल। बॉल भी सर्वनाम शब्द नहीं है। अब बच्चों, मेरे पास है मैं। मैं सर्वनाम शब्द है, इसलिए हम इसे इस टोकरी में रखेंगे। अब है आपका। बच्चों, आपका शब्द आपका भी सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसे हम इस टोकरी में रखेंगे। अब है बच्चों घर। घर सर्वनाम शब्द नहीं होता है। अब बच्चों, मेरे पास है वे। वे सर्वनाम शब्द है, तो हम इसे इस टोकरी में रखेंगे। अब है बच्चों पैसा। पैसा सर्वनाम शब्द नहीं है। अगला शब्द है बच्चों बहन। बहन भी सर्वनाम शब्द नहीं है। अब मेरे पास जो शब्द आया है वह है अपना। अपना सर्वनाम शब्द है, इसलिए मैं इसे इस टोकरी में रख रही हूं। अब है बच्चों फूल। फूल भी सर्वनाम शब्द नहीं होता है। अब है बच्चों इसका। इसका सर्वनाम शब्द है, इसलिए मैं इसे यहां रख रही हूं। अब है बच्चों वह। वह सर्वनाम शब्द है, इसलिए हम इसे इस टोकरी में रख रहे हैं। अब है बच्चों पेड़। पेड़ सर्वनाम शब्द नहीं है। इसके बाद है बच्चों मेरे। मेरे सर्वनाम शब्द है, इसलिए मैं इसे इस टोकरी में रख रही हूं। अब है आप। बच्चों आप भी
सर्वनाम शब्द होता है। अब है बच्चों किताब, किताब सर्वनाम शब्द नहीं होता है। अब है बच्चों उनका, उनका भी एक सर्वनाम शब्द है, तो हम इसे यहां रखेंगे। अब है बच्चों घास, घास सर्वनाम शब्द नहीं है। इसके बाद है तुम सर्वनाम शब्द है, तो ये अपने साथियों के पास जा रहा है। और अब है पंखा, पंखा भी सर्वनाम शब्द नहीं है। तो बच्चों आज हमने सर्वनाम शब्दों के बारे में और भी गहराई से जाना कि जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान प्रयोग होते हैं। धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।